ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरजा टिक्कू सरला बट को कब इंसाफ मिलेगा। हर गली हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलीव सलीव गलीव, या तो अपना धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है। I was chief minister and I tried to bring Kashmiri Pandits back home. Gujral Sahib was the prime minister here, and when we tried, the forces from across the border killed innocent Kashmiri Pandits in a village near Gandharbal. Immediately we stopped those 50 vehicles that had to bring them back home. And to this day, I must tell you, how many Kashmiri Pandits have you brought back in these 10 years? ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय, ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी, गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है, सारी बातें करूं, अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है, उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी, 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरजा टिक्कू सरला बट को कब इंसाफ मिलेगा। हर गली हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलीव सलीव गलीव। पुनः कहती हूं, रलीव सलीव गलीव, आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले, रलीव सलीव गलीव। या तो अपना धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का, 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आई नीड टू करेक्ट द मिनिस्टर हु स्पोक रिसेंटली। शी सेड अबाउट चाइल्ड मैरिज दैट सिंस दे केम चाइल्ड मैरिज हैज स्टॉप्ड इन कश्मीर। शी इज कंप्लीटली रॉन्ग।
Maharaja Kashmir, Maharaja Hari Singh in 1928 passed the act that no child marriage will take place in his state. And that was put into order. And they completely gave a wrong information which I want to be corrected about. Secondly, we are part of India, yes. She spoke about Kashmiri Pandits. It's the biggest black mark that is on our history of Jammu and Kashmir. 1947, when the Kabbalis came and the Pakistani army came, Maharaja's army was very small. They could not defend the state. They walked in. Who defended at that time the people, the minority? Everyone, the Hindu, Muslim, Sikh, all Christians stood together and said, we will fight them. We had no weapons, but only had the will that they cannot take us. You make mistakes, we make mistakes, yes. Who says we are perfect? We make mistakes. Do you remember? I was chief minister. And I tried to bring Kashmiri Pandits back home. Gujral Sahib was the prime minister here. And when we tried, the forces from across the border killed innocent Kashmiri Pandits in a village near Gandharbal. Immediately we stopped those 50 vehicles that had to bring them back home. And to this day, I must tell you, how many Kashmiri Pandits have you brought back in these 10 years? None. And don't forget, I was chief minister, sitting in the assembly, please. And they came to attack the assembly. 5 minutes before I had left the assembly because I had to meet the governor. And what happened? Please listen, please listen, please listen. They came to the assembly and said, where is Farooq? They didn't know me where I was. They killed 40 people. Do you ever remember them? Do you ever talk of them? Do you ever say what happened to them? We stood because we wanted to stand by this nation. Please remember. So don't say that we are not part of India. Don't say we are Pakistanis. Don't say we are traitors. इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन यह कहना कि यह सरकार 9 वर्षों में कश्मीरी पंडित हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया गया, वहां कश्मीरी पंडितों की जमीन की वापसी हो रही है, लोग जा भी रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है, और यह यहां गुमराह करना सदन को कि सरकार कुछ नहीं की है, यह ठीक नहीं है, यह गलत बयान है. You could not take the members of G20 to Gulmarg. You could not take them to Dachigam. Hey? And you say there is peace, that there is no terrorism there. Look at yesterday in Kulgam. Look at Rajouri. Our neighbor is still playing. Let's not forget that. And that's why I say to you, remember, I say to this government and I say to the people of India, yaad rakhiye, Vajpayee ji ne kya kaha? Suniye, meri baat suniye, apne leader ki baat suniye. Wo aaye, Karna mein aaye, Pakistan ke border ke paas, aur kehne lage, suniye, ki dost badlaye ja sakte hain, padosi badlaye nahi ja sakte. Agar humne padosi ke saath दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी. ये आपके लीडर की बात है, सुनिए, आप उसको माने या ना माने, अगर आप में दम है, मैं आज आपसे कहता हूं, इस हाउस से कहता हूं, और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए. हो गया, हम तो रोक ही रहे, हम तो कभी नहीं रोका, हम नहीं रोकते. हो गया, करो करो,
मगर हम पे शक करोगे कि हम पाकिस्तानी हैं? और कब तक शक करोगे? बात करनी है। मैं आपसे कहता हूँ सुनिए, इस शक को छोड़िए और हमें भी गले लगाइए जो इस वतन के साथ खड़े हैं और इस वतन के साथ खड़े रहेंगे।